हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज का जो वीडियो होने वाला है वो एक स्किन केयर वीडियो होने वाला है। यहाँ पे मैं आप सबके साथ में शेयर करूंगी कि मेकअप से पहले मैं अपने फेस को, अपने स्किन को कैसे प्रेप करती हूँ, क्या स्टेप फॉलो करती हूँ मैं अपने स्किन केयर में। मैं आज अपना स्किन केयर रूटीन आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं मेकअप से पहले अपनी स्किन को कैसे प्रेप करती हूँ। तो बिना देरी करे चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्किन केयर का सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको मेकअप से पहले अपने फेस को अच्छे से वॉश करना होता है, अच्छे से फेस वॉश के साथ में। यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ ये गुड वाइब्स का एक्टिवेटेड चारकोल फेस वॉश। ये आपके स्किन को डीपली क्लेंस कर देता है, जितने भी डर्ट होती है आपकी स्किन पे वो बहुत ही अच्छे से क्लीन कर देता है और आपकी स्किन को बहुत ही ज्यादा फ्लॉलेस बना देता है। यहाँ पे मैं ये फेस वॉश यूज करने जा रही हूँ। सेकेंड स्टेप है स्क्रबिंग। अपने फेस को अच्छे से वॉश करने के बाद में आपको एक अच्छा सा जेंटल सा फेस स्क्रब यूज करना होगा, जिसे आप 2 से 3 मिनट अपने फेस पे अप्लाई करके अपने फेस को वॉश कर देंगे ना, तो आपकी स्किन के ऊपर की जितनी भी डेड स्किन है, सेल्स है, वो सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे। यहाँ पे मैं अपने फेस को स्क्रब करने के लिए यूज कर रही हूँ ये अर्थ गुडनेस का सैंडलवुड फेस स्क्रब। मैं यहाँ पे इसको ले रही हूँ। स्किन केयर का जो तीसरा स्टेप है वो है फेस मास्क। जब आप अपने स्किन को अच्छे से स्क्रब कर लेते हैं तो उसके बाद में आपको अपने स्किन के ऊपर भी एक अच्छा सा फेस मास्क अप्लाई करना चाहिए। यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ ये एक्टिवेटेड चारकोल एंड T3 3-in-1 मड मास्क है ये। मैं इसको यूज कर रही हूँ। जो भी चारकोल से रिलेटेड आपके स्किन केयर के प्रोडक्ट आते हैं ना, वो आपकी स्किन को डीपली क्लीन कर देते हैं, चाहे वो फेस वॉश हो, चाहे वो आपका फेस मास्क हो, वो आपके स्किन को बहुत ही अच्छे से क्लीन कर देते हैं। जब भी आपको डीप क्लींजिंग की जरूरत हो ना, तो आप चारकोल वाले प्रोडक्ट जरूर यूज किया करिए। यहाँ पे मैं इसको यूज कर रही हूँ। तो फोर्थ स्टेप है स्किन केयर का, वो है आप जब अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लेते हैं, स्क्रब कर लेते हैं और फेस मास्क भी अप्लाई कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको अपने फेस पे अच्छा सा टोनर अप्लाई करना चाहिए। अगर आपके पास टोनर ना हो तो आप रोज वाटर भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ ये VLCC का जो है रोज वाटर है। यहाँ पे मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस पे। टोनर अप्लाई करने से जो आपके जो ओपन पोर्स होते हैं ना, वो आपके मिनिमाइज होते हैं, ब्लर आउट हो जाते हैं। टोनर जो है आपकी स्किन के अंदर तक जाके आपकी स्किन को अंदर से जो है रिपेयर करती है, उसको नरिश करती है। आपको टोनर जरूर अप्लाई करना चाहिए। ये आपके जितने भी ओपन पोर्स होते हैं ना, उनको मिनिमाइज करने में हेल्प करती है और रेगुलर यूज से आपके जो पोर्स है वो काफी हद तक जो है वो मिनिमाइज हो भी जाते हैं, कम हो जाते हैं बेसिकली। टोनर अप्लाई करने के बाद में आपको अपने फेस पे अप्लाई करना है एक अच्छा सा जेल या फिर फेस मॉइस्चराइजर। मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ ये अल्फ्स गुडनेस का सैंडलवुड जेल। इसके बाद मैं अपने फेस पे एक मॉइस्चराइजर भी अप्लाई करूंगी क्योंकि मुझे लगाना है मेकअप। मेकअप हम सिर्फ अपनी स्किन को अगर हम बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज नहीं करेंगे तो हमारा जो बेस है वो उतना ज्यादा फ्लॉलेस नहीं लगेगा। यहाँ पे पहले मैं ये मॉइस्चराइजर जेल अप्लाई कर लेती हूँ। गर्मियों का टाइम चल रहा है ना, तो वैसे जेल ही अप्लाई करना चाहिए क्योंकि जेल जो है आपकी स्किन के अंदर तक जाता है और आपकी स्किन को अंदर से हाइड्रेटेड रखता है। बट मॉइस्चराइजर अप्लाई करने से ना आपका स्किन का जो सरफेस है वो स्मूथ हो जाता है, तो आपका जो मेकअप है वो लंबे टाइम तक टिकता है और ज्यादा जल्दी केकी नहीं होता है। इसीलिए मैं हल्का सा मॉइस्चराइजर भी अप्लाई करूंगी। वैसे जो मेरी स्किन है वो नॉर्मल है तो मुझे तो सब कुछ चलता है, बट आप अपनी स्किन कंसर्न के अकॉर्डिंग ही अपनी स्किन केयर करिए। अगर आप ड्राई स्किन वाले हैं तो मेक श्योर आप बहुत अच्छे से अपने स्किन को ना मॉइस्चराइज कर लें, और अगर आप ऑयली स्किन वाले हैं तो आप मॉइस्चराइजर को स्किप कर दें और सिर्फ आप जेल पे ही जेल बेस्ड प्रोडक्ट ही यूज करें।
जेल के बाद अब मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ ये जॉय का फ्रूट स्किन मॉइस्चराइजर क्रीम। सो मैं इसको अप्लाई करूंगी, बहुत थोड़ा सा अप्लाई करूंगी ताकि मेरा जो मेकअप का फेस है वो फ्लॉलेस रहे। तो इसको मैं बस थोड़ा सा, जस्ट इतना सा अप्लाई करूंगी क्योंकि गर्मी बहुत है तो ज्यादा मॉइस्चराइजर की जरूरत है नहीं। अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ ये वैसलीन का क्या बोलेंगे, वैसलीन का जेल। ऑलराइट गाइस, तो यही था मेरा आज का वीडियो। होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। सो दिस इज हाउ आई प्रिपेयर माय स्किन बिफोर अप्लाइंग मेकअप। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।